अजय अपनी पत्नी शीला के साथ लोनी नगर में रहता था। अजय की जब शीला से शादी हुई थी उस वक्त शीला का स्वभाव बहुत ही अच्छा था, मगर शादी के कुछ साल बीत जाने के बाद शीला का स्वभाव बदल गया। एक रोज अजय जब ऑफिस जा रहा होता है तो शीला अजय से कहती है, ए जी, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, न कहीं बाहर घुमाने ले जाते हो, न कपड़े वगैरह दिलाते हो। ये सुबह सुबह आज तुमने क्या खा लिया है जो ऐसी बातें कर रही हो? और पिछले महीने ही तो मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले गया था, और भला मैंने कभी किसी चीज के लिए तुम्हें मना किया है क्या? बताओ, अरे जो भी तुम्हें पसंद है वो तुम अपने लिए खरीद सकती हो। मैं भला खुद क्यों खरीदूं? आपको पता है पड़ोस की सुमना जी के पति उनसे कितना प्यार करते हैं। कल ही वो सुमना जी के लिए गले का सोने का सेट लेकर आए हैं। एक आप हो, कितने सालों से मेरे लिए सोने का कुछ भी नहीं लाए हो। अगर आप भी मेरे लिए गले का सोने का सेट नहीं लाए तो देख लेना, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अजय बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। शाम के समय ऑफिस से घर आते वक्त अजय को सुमना जी के पति मनीष जी मिलते हैं। मनीष भाई साहब, आज सुबह सुबह आपने तो हमारे घर में लड़ाई करवा दी। अरे भाई अजय, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप ऐसे बोल रहे हो? आपने अपनी पत्नी को गले का सोने का सेट जो दिला दिया, अब मेरी पत्नी भी जिद कर रही है कि मुझे भी सोने का गले का सेट दिलवाओ। अजय भाई, ये क्या बोल रहे हो? मैंने अपनी पत्नी को कोई सेट नहीं दिलाया है। अगर यकीन नहीं होता तो तुम सुमन से ही पूछ लो। सुमना दूर खड़ी सब्जी खरीद रही होती है। मनीष जोर से सुमना को आवाज लगाकर अपने पास बुलाता है। सुमना आवाज सुनकर मनीष के पास आती है। सुमन, तुमने शीला बहन से झूठ क्यों बोला कि मैंने तुम्हें सोने का सेट दिलाया है? अरे भला मैं क्यों झूठ बोलूंगी, और वैसे भी शीला से तो न जाने मेरी कब से बात नहीं हुई, जब देखो बात बात पर झूठ बोलती रहती है। अजय सुमना जी की बात सुनकर गुस्से से घर जाता है और शीला से ऊंची आवाज में बोलता है, शीला, तुमने एक सेट के लिए मुझसे झूठ बोला। मगर जी, सफाई देने की जरूरत नहीं है, मुझे सुमन जी ने सब बता दिया है, हद होती है झूठ बोलने की। कुछ दिन बाद शीला घर का काम करते हुए अपने आप से बोलती है, पड़ोस के शुक्ला जी अपनी पत्नी मेघना का कितना ख्याल रखते हैं, वो जरा बीमार क्या पड़ी, शुक्ला जी उनकी सेवा पानी में लग गए। ऐसा बोलकर शीला अजय को फोन लगाती है और बोलती है, सुनिए जी, आप जल्दी से घर आ जाइए, मेरी तबीयत बहुत खराब है, चक्कर से आ रहे हैं, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। शीला की बात सुनते ही अजय घर आ जाता है और शीला को बेड पर लेटे देख बहुत घबरा जाता है। शीला, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अभी तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। शीला घबराते हुए बोलती है, अरे नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है, आप आ गए हो ना तो मैं ठीक हो जाऊंगी, वैसे मैंने दवाई खा ली है तो अब आराम है। अजय शीला को देखकर उसकी बातों से समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है, इसलिए वो जानबूझकर शीला से हॉस्पिटल जाने की जिद करता है। शीला हॉस्पिटल के नाम से डर जाती है और अजय को सब सच बता देती है। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तो इसलिए आपसे झूठ बोला ताकि आप। अजय गुस्से से बोलता है, तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, तुम्हें पता भी है मैं ऑफिस से कैसे भागता हुआ घर आया हूँ, और मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, अब मुझे गलती से भी फोन मत करना। शीला अजय के पीछे भागती हुई जाती है। सुनिए तो जरा, मुझसे गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, अब से कोई झूठ नहीं बोलूँगी, प्लीज आप ऐसे नाराज होकर मत जाइए। अजय शीला की एक बात नहीं सुनता और अपनी बाइक पर बैठकर वहां से चला जाता है। शीला अजय के पीछे भागती है कि तभी वो भागते हुए सड़क पर गिर जाती है। उसके सर में काफी चोट आती है जिसकी वजह से उसके सर से काफी खून बहने लगता है। शीला जैसे तैसे घर आती है और अजय को फोन करती है। सुनिए जी, सड़क पर गिरने की वजह से मेरे सर में काफी चोट आई है। आप शीला, अब तो झूठ बोलना बंद करो और अब मुझे बिल्कुल फोन मत करना। तभी शीला के घर सुमना आती है। शीला, तुम्हारे काफी खून बह रहा है, तुमने अपने पति को फोन तो कर दिया है ना? वो नहीं आएंगे क्योंकि मैं एक झूठी पत्नी हूँ ना। सुमन अजय को फोन करती है और शीला की चोट के बारे में बताती है। अजय सुमना की बात सुनकर तुरंत घर आता है। शीला, तुम्हें तो बहुत चोट लगी है, देखा, तुम्हारे झूठ बोलने की वजह से आज मैं तुम्हारे सच को भी झूठ मान बैठा, अब जल्दी से मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। आज मुझे झूठ बोलने की सजा मिल गई है, मैं एक झूठी पत्नी हूँ जी, इसीलिए मैं आपके साथ हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मुझे अपने झूठ बोलने का बहुत पछतावा है, मुझे माफ कर दो। शीला को अपने झूठ बोलने का पछतावा हो जाता है, इसलिए अजय उसे माफ कर देता है।
और उसे हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज कराता है। शीला अजय से वादा करती है कि अब वो कभी झूठ नहीं बोलेगी।